जगन्नाथ भगवान थोड़े से आज उदास से लग रहे थे। तो माधव दास जी ने पूछा, क्या हुआ, चेहरा लटका है आपका? अब यार को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, बताओ। जगन्नाथ जी बोले, माधव दास क्या बताओ, आज ब्रज की चोरी की याद आ रही है, चोरी करने को मन कर रहे हो। तो चोरी करने को, क्या चोरी करने को मन कर रहे हो? बोले, हमको कटहल बहुत पसंद है तो कटहल खाने का मन कर रहा है। माधव दास जी बोले, तो हमारा जो वो राजा है ना, जिसका कटहल का बगीचा हमारा ही चेला है, आप कहो तो मंगवा देते हैं 2-4 किलो। तो ठाकुर जी हंस के बोले, अरे माधव दास तो बड़ा भोला है, मांग के आनंद थोड़ी खाने में, जो आनंद चुरा के खाने में। तो माधव दास जी बोले, जाओ तो चुरा लो। ठाकुर जी बोले, चोरी में अकेले में थोड़ी आनंद आवे, जब तक 2-4 सखा संग ना रहे तो मजा नहीं आवे, तुम चलो हमारे संग। माधव दास जी बोले, दिमाग खराब हो गया आपका, हम अच्छे भले बाबा जी आदमी माला कर रहे हैं और तुम हमको चोरी करना सिखा रहे हो। ठाकुर जी बोले, भगवान के लिए तो जो कुछ बोलो सब भजन है, चोरी भी भजन है, चलो हमारे साथ। और माधव दास जी को पकड़ के ले आए कटल के बगीचे में। माधव दास जी बोले, आप चढ़ो ऊपर पेड़ पे। माधव दास जी को जबरदस्ती पेड़ पे चढ़ा लिया। चढ़ गए माधव दास जी, बेचारे पहली बार चोरी कर रहे, उनको थोड़ी पता कि घुसफुसा के बात करनी है। माधव दास जी जोर से बोले कि कन्हैया ये कटल चाहिए कि ये चाहिए? अब जैसे जोर से बोले तो माली ने सुन लिया। माली बोलता, मैं बताता हूँ कौन सा चाहिए। सोई माली भाग के आया, और जैसे भाग के आया तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान, और बेचारे माधव दास जी लटक गए ऊपर। माली बोला, नीचे आओ। नीचे आया और माली ने इनको पकड़ के पेड़ से बांध दिया। बोले, ये राजा के बगीचे का चोर है तो इसको अब राजा जी के पास लेकर के जाएंगे। बांध दिया पेड़ से। इतने में राजा जी की सवारी उधर बगीचे की ओर ही आ रही थी, और जैसे राजा जी ने देखा दूर से पेड़ से कौन बंधा है, देखा ये तो पेड़ से गुरु जी बंधे हुए। तो भाग करके आया, बावरे तूने गुरुजी को बांध रखा, छोड़ इसे। तो माधव दास जी बोले, भैया इसको मत डांटो, काम ही हमने ऐसे करे हैं तो बंधेंगे तो है ही। बोले, आपने क्या किया? बोले, चोरी की है हमने। राजा बोला, आप और चोरी, ये कैसे? माधव दास जी बोले, संगत का असर। अब जैसी संगत होगी वही तो सीखेंगे, अब चोर का संग करेंगे तो चोरी सीखेंगे। मतलब जगन्नाथ जी आए थे हमको लेके तुम्हारे बगीचे में कटल चोरी करवाने। अब राजा ने जैसे सुना, राजा की आंखें भीग गई। जगन्नाथ भगवान को कटल पसंद है मेरे बगीचे का, बस प्रसन्न हो गया। सारा बगीचा जगन्नाथ जी के मंदिर के नाम लिखवा दिया। आज भी वो बगीचा जगन्नाथ मंदिर जो ट्रस्ट है उसी के नाम। तो ऐसा सखा भाव था माधव दास जी का। अब जब तक युवावस्था थी सब ठीक चलता रहा, अब आ गई बुढ़ापा, थोड़ा अवस्था। एक दिन बहुत बहुत बीमारी ने पकड़ लिया, इतनी बीमार शरीर हो गया कि माधव दास जी जहां रहते वही मलमूत्र त्याग देते, ना उठ पाते ना नहा पाते, कोई आगे पीछे नहीं। तो ठाकुर जी आए। ठाकुर जी जैसे एक नौकर एक दास सेवा करता है ना, वैसे भगवान ने माधव दास जी का मलमूत्र साफ किया, कपड़े धोए, मल से सने पानी से नहलाया। इतनी सेवा करी ठाकुर जी ने माधव दास जी की। और फिर एक दिन कहा, माधव तू बहुत बीमार है, मुझसे देखा नहीं जाता। प्रारब्ध देखो, अगर मैं चाहूं तो अभी इसको काट भी सकता हूं, पर ये प्रारब्ध तुझे फिर झेलना पड़ेगा, इसलिए एक काम करता हूं, तेरे इस प्रारब्ध को मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, तेरे इस रोग को मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। और ठाकुर जी ने माधव दास जी का जो रोग है वो अपने ऊपर ले लिया, और जगन्नाथ जी बीमार हो गए। आज भी यही प्रथा चल रही है कि 15 दिन जगन्नाथ भगवान बीमार होते हर साल, हर वर्ष ये प्रथा है, जगन्नाथ भगवान रोग ग्रस्त हो जाते हैं। अब बताओ ठाकुर जी की लीला नहीं तो क्या है? भगवान को काय का रोग, कैसा रोग? पर दिखाने के लिए, बताने के लिए कि देखो मेरा जो भक्त होगा ना उसके लिए तो मैं जरूर कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करूंगा, दास बन जाऊंगा, रथ हाँकने लगूंगा, ड्राइवर बन जाऊंगा। ऐसे भगवान जो समर्पित होता करते उसी के लिए। भगवान कहते मैं सबका ठेका नहीं ले रखा,
जो मुझे भजेगा मैं उसे भजूंगा। और आज वही हूँ, एक तरफ पूरी कौरव सेना और एक तरफ पांच पांडव, छोड़ दिया भगवान के सहारे। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।